कि आप एक एम रखें ताकि आप उसके उस चीज के ऊपर काम करें और आपका सब कुछ स्मूथली जाए। अच्छा आप बताएं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है क्या मतलब? बीइंग ए इंडिविजुअल, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? पढ़ाई, एग्जाम में नहीं, अच्छे मार्क्स पढ़ाई पढ़ाई लाने। तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, अभी आपका ऑब्जेक्टिव है कि गेटिंग गुड ग्रेड इन ओ लेवल्स, ठीक है, ऐसे ही है ना? जी तो गेटिंग ग्रेड यानी ए या ए स्टार आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए फिर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कह रहे हैं ना, दे गिव वर्कर एंड मैनेजर अ क्लियर टारगेट टू वर्क टूवर्ड्स एंड दिस हेल्प मोटिवेट पीपल। ये मोटिवेशन को भी जनरेट करता है, एक तरह से क्लियर डायरेक्शन देने के, वेयर टू गो, राइट? अगर लाइफ में ऑब्जेक्टिव होगा तो ही मूवमेंट होगी, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो मूवमेंट कोई नहीं होगा। अब जैसे अभी तो फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव है ना कि मैंने गुड ग्रेड गेट करने, लेकिन जैसे एक लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कुछ लोगों ने डॉक्टर बनना होता है, क्या बनना होता है? टू बी डॉक्टर, तो ये ऑब्जेक्टिव है, टू बी डॉक्टर, ठीक है? टू सही बी इंजीनियर, किसी ने इंजीनियर बनना है, इस हिसाब से पूछ रहा हूँ, आपका लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट टू बी नेक्स्ट 5 ईयर्स? जी बताएं। सोचा तो नहीं। अच्छा, अभी सोचें, सोच लें, फिर सोचेंगे तो आपको आपका माइंड बनेगा ना कि मैंने ये बनना है। जैसे टू बी आर्टिस्ट, जैसे कुछ लोग होता है टू बी सिंगर, ठीक है, टू बी एक्टर, टू बी एक्ट्रेस, या टू बी डायरेक्टर, या टू बी पॉलिटिशियन, कुछ लोग पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हैं। तो हर एक ने अपना एक ऑब्जेक्टिव रखना होता है, यानी एक लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे टू बी लायर, कुछ लोगों ने लायर बनना होता है, लायर, ठीक है, ये लायर होते हैं। तो इसके हिसाब से ही फिर आपका पैटर्न सेट होता है, ठीक है? अच्छा, अगर हम बिजनेस के पॉइंट से बात करेंगे तो बिजनेस के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, एक तो होता है बिजनेस सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट, तीसरा है रिटर्न टू शेयर होल्डर, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, मार्केट शेयर, सर्विस टू द कम्युनिटी। बिजनेस सर्वाइवल क्या है कि बिजनेस सर्वाइवल ये है कि अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस है, तो आपकी पूरी स्ट्रगल होगी कि मैं मार्केट में सर्वाइव कर लूं, यानी आपका बिजनेस, क्योंकि आप जब आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो सबसे बड़ा इशू कॉम्पिटिटर का आता है या लॉ का आता है, ठीक है, या फिर लीगल एक्शंस का आता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। आपने बिजनेस ओपन किया, लॉ चेंज हो गए, जैसे कोरोना आ गया, बहुत सारे लोग बिजनेस कोरोना के टाइम पे स्टार्ट हुए और वो बंद हो गए। तो सर्वाइवल का मतलब होता है कि आपने सर्वाइव करना है मार्केट में। अभी आपका कंसर्न प्रॉफिट के पहले दोस्त, किसी भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना तो उसके पहले 2 साल 3 साल सर्वाइव करने में लगते हैं, कम से कम 3 साल। 3 साल उसने अगर सर्वाइव कर लिया तो फिर वो अपना अब अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर लेगा। अब वो सोचेगा कि मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, अब मैंने अपने बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है? अच्छा, जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लेगा तो फिर अगर वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है, पीछे हमने पढ़ा था ना, बिजनेस पहले सोल होल्डर होता है, फिर पार्टनरशिप होता है, फिर प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होता है, प्राइवेट से वो पब्लिक लिमिटेड हो जाता है, इस तरह बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, ठीक है? ठीक है, अच्छा, अब जैसे लिखा हुआ रिटर्न टू शेयर होल्डर, अब ये उनका, ये बेसिकली सोल ट्रेडर का तो नहीं होता, द पार्टनरशिप का होता है, ये होता है पीएलसी का या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, कि अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देते हैं क्योंकि शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट की होती है। फिर आपके बिजनेस का एक ये होता है ग्रोथ ऑफ द बिजनेस,
अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, ग्रोथ एक इंटरनल ग्रोथ होती है और एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल. ग्रोथ होती है। इंटरनल ग्रोथ में होता है कि आप न्यू ब्रांचेस ओपन करते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल ग्रोथ में होता है कि आप परचेज कर लेते हैं या टेक ओवर कर लेते हैं, काइंड ऑफ दैट। अच्छा, मार्केट शेयर, शुरू में जब बिजनेस ओपन किया तो बिजनेस के कस्टमर थे 10, ठीक है, अब वो चाह रहा है कि अगले साल 5 और हो जाएं, उससे अगले साल 5 और हो जाए, एवरी ईयर वो चाहेगा कि नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होता जाए। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका सर्विस टू द कम्युनिटी, यानी कहते हैं पहले हम कमाएंगे और कमाने के बाद कम्युनिटी पे सर्व करेंगे, कम्युनिटी को सर्व करेंगे, ठीक है। इस तरह के हर जी बिजनेस के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहले ही पढ़ ले जरा, यहां से लेकर यहां तक। तो ये सेकंड लाइन समझ नहीं आ रही. हेलो. देखें, ऑब्जेक्टिव्स पहला है, पहले बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफन डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेस। हर बिजनेस के ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जो सिर्फ सर्वाइवल पे चल रहे हैं, कुछ बिजनेस कहते हैं कि हमने सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जो कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं, हम कमाने के बाद सर्व करना चाहते हैं, ये इस पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि अ बिजनेस may have been formed by an entrepreneur to provide employment and security for the owner of his own। एक entrepreneur क्यों बिजनेस चला स्टार्ट करता है, क्योंकि तो उसने अपनी फैमिली को चला रहा है, प्लस वो प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा वो 1, 2, 3, 10 हजार लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो इट कुड हैव बीन स्टार्टेड टू मेक हेलो. हाँ, अब वो कह रहा है इट कुड हैव बी स्टार्टेड टू मेक एज बिग अ प्रॉफिट एज पॉसिबल फॉर द ओनर, यानी हर बिजनेस मैन का एक वो होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकूँ। अच्छा, तो ये कह रहा है इट कुड हैव बीन स्टार्टेड टू मेक एज बिग अ प्रॉफिट एज पॉसिबल फॉर द ऑनर, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड द बिजनेस माइट हैव अ मोर चैरिटेबल एम इन माइंड। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो अर्न करके चैरिटी करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं हमने अगर 100 रुपये कमाया तो 10 रुपये हम सोसाइटी पे खर्च करेंगे या एनवायरमेंट पे खर्च करेंगे। तो ये सर, ये वो वाले ये है सर्विस टू द कम्युनिटी, ये कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं। तो हर बिजनेस के ना डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मैनी ऑफ द
लीडिंग वर्ल्ड चैरिटीज आर वेरी लार्ज बिजनेस इंडीड, यानी कुछ यानी बहुत सारी यानी कंट्रीज में बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो बहुत लार्ज होते हैं और चैरिटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये क्लियर? आप ये पढ़े सर्वाइवल, ये वैसे एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, अब आप यहां से पढ़ सकते। अच्छा, इसमें एक वर्ड आ गया रिसेशन, ये बता देता हूँ। ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगी, होता यह है हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ऐसे चले, यानी एक स्ट्रेट लाइन में चले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिजनेस कभी ऊपर जाता है, यानी इकॉनमी कभी ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो जब इकॉनमी इस तरह मूव करेगी तो बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आएगा। इसको कहते हैं बूम, यानी आप इकॉनमी बहुत बूम कर रही है, बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहा है, ये वाला पीरियड है रिसेशन। जी ये देखिए, ये बूम होता है, ये स्लम। अब बूम और स्लम के दरमियान जो पीरियड होता है ना, ये वाला, इसको कहते हैं रिसेशन। क्या कहते हैं? रिसेशन। रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कि जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए, जब लोगों की परचेजिंग अच्छा पावर कम हो जाए, जाहिर है जब आप परचेज कम करेंगे तो सेल कम होगी, सेल कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो ये सबसे बड़ा इशू आता है। अब आप पढ़ लें सर्वाइवल। सर पढ़ लिया समझ आ गए? तो जी। सर्वाइवल कब कब होता है? जब आप बिल्कुल न्यू हो बिजनेस के अंदर, या फिर कंट्री के अंदर रिसेशन आ जाए, तो हर बिजनेस सर्वाइवल पे चला जाता है क्योंकि तो सेल नहीं हो रही होती, नए बिजनेस में भी सेल कम होती है। आप जरा ये पढ़े।
सर मैंने पढ़ लिया लेकिन अभी भी मसला आ रहा है समझने में। आपको इश्यू नहीं बताया तो देखें, बिजनेस का मेन पर्पस है कि प्रॉफिट अर्न करना है, ये हर बिजनेस का मेन पर्पस होता है ना। अच्छा, अब ये कह रहे हैं व्हेन अ बिजनेस इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल रादर देन गवर्नमेंट, इट इज यूजुअली द केस दैट बिजनेस इज ऑपरेटेड विद द एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। आप जब भी बिजनेस ओपन आपने करना है, बेसिकली आपका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। द ऑनर विल ईच टेक अ शेयर ऑफ दीज प्रॉफिट, प्रॉफिट आर नीडेड टू, प्रॉफिट क्यों जरूरत है, एक है पे अ रिटर्न टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसको रिटर्न मिलना चाहिए फॉर द कैपिटल इन्वेस्टेड एंड द रिस्क टेकन, ठीक है। ये बात बात समझ में आ रही, क्योंकि जी आपने बिजनेस इसीलिए स्टार्ट किया ताकि आपको ज्यादा से प्रॉफिट अर्न हो सके, उस प्रॉफिट से आपने घर चलाना है। दूसरा, प्रॉफिट अर्न करना इसलिए जरूरी है प्रोवाइड फाइनेंस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, यानी अगर आप प्रॉफिट अर्न होगा तो बिजनेस फर्दर चलेगा, फर्दर उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो बिजनेस ओवर द ईयर बंद हो जाएगा। तो आपने 1 लाख लगाया और आपको 10 हजार का हर महीने लॉस होना शुरू हो गया, तो आपका बिजनेस चलेगा? नहीं नहीं चलेगा ना, क्योंकि आप जब भी बिजनेस चलेगा जब आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट आपने दोबारा बिजनेस में लगाना है, उससे घर भी चलाना है और उससे उसको फर्दर या आपने फर्दर एक्सपेंड करना है, उसके लिए आपको प्रॉफिट चाहिए। अब अगर है विदाउट एनी प्रॉफिट एट ऑल द ऑनर आर लाइकली टू क्लोज द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस क्या हो जाएगा क्लोज। विल आर बिजनेस ट्राई टू मेक एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल, तो इट इज ऑफन अज्यूम दैट दिस विल बी द केस, ठीक है, बट देर आर डेंजरस टू दिस एम। सपोज अ बिजनेस पुट अप इट्स प्राइसेस ओके अब ये कह रहे विल आ बिजनेस ट्राई टू मेक एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल, तो इट इज ऑफन अज्यूम दैट दिस विल बी द केस, यानी एवरी बिजनेस की एफर्ट ही होती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाए, ठीक है, बट देर आर डेंजरस टू दिस डेंजर टू दिस एम। सपोज अ बिजनेस पुट अप इट्स प्राइसेस टू रेज प्रॉफिट, तो इट मे फाइंड दैट कंज्यूमर स्टॉप बाइंग इट्स गुड, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस का कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक जी है। अब वो कह रहा है अदर पीपल विल बी इंकरेज टू सेटअप इन कॉम्पिटिशन, तो विच विल रिड्यूस प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म फॉर द ओरिजिनल बिजनेस। अच्छा, अब आप दूसरे लोग देखेंगे कि ये वाला बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो हम भी क्यों ना कमाने आ जाएं, यानी आप पहले एक ही थे उस एक बिजनेस में, आप एक ही थे ना, जब दूसरे लोगों ने देखा कि आपका बिजनेस बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो क्यों ना हम भी इसी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर दें। तो इसका मतलब कस्टमर अब दो या दो से ज्यादा कंपनीज में डिवाइड हो जाएंगे, क्या होगा आपका आपकी शेयर कम हो जाएगी, और शेयर कम होने का मतलब है प्रॉफिट कम हो जाएगा। कैन अदर बिजनेस विल बी इनकरेज टू सेटअप इन कॉम्पिटिशन, मजीद कॉम्पिटिटर आ जाएंगे विच विल रिड्यूस प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म फॉर द ओरिजिनल बिजनेस, अब लॉन्ग टर्म में इस बिजनेस का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो इट इज ऑफन सेड दैट द ऑनर ऑफ बिजनेस विल एम फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट विच विल अवॉइड देम
हैविंग टू वर्क टू मैनी आवर और पे टू मच इन टैक्स टू द गवर्नमेंट. ठीक है, इट इज ऑफन सेड दैट द ऑनर ऑफ बिजनेस विल एम फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री. तो ऑनर को प्राइड, ऑनर क्या कहता है कि इतना प्रॉफिट आ जाए कि सिर्फ डेली के एक्सपेंडिचर मेट हो जाए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, ज्यादा प्रॉफिट का मतलब है आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि डेंजर होता है. ज्यादा प्रॉफिट का एक इशू ये आता है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉफिट की वजह से आपके कॉम्पिटिटर भी ज्यादा हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा. आप समझ में आ गया? ठीक, जी अब ये पढ़े रिटर्न टू शेयर होल्डर. सर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स का क्या मतलब देखिए, रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट. रिटर्न का मतलब क्या है? प्रॉफिट? यानी जो पैसा आप कहीं लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, उसके पीछे मुझे रिटर्न मिलना चाहिए. रिटर्न का मतलब मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं शेयर होल्डर ओन लिमिटेड कंपनी. जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो ऑनर होते हैं कंपनी के. क्या होते हैं? ऑनर. ओनर। और उसके भी यहाँ पे मैनेजर रन करते हैं. द मैनेजर ऑफ कंपनीज विल ऑफन सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू शेयर होल्डर. अब मैनेजर डिसाइड करते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दें शेयर होल्डर को, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज करें. अगर वो इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी से निकाल ली तो इनका बिजनेस नहीं चलेगा. तो दिस इज टू डिस्करेज शेयर होल्डर फ्रॉम सेलिंग देयर शेयर एंड हेल्प मैनेजर कीप देयर जॉब्स. क्योंकि ज्यादा रिटर्न करने का मतलब है ज्यादा सेल. ज्यादा सेल होने का मतलब है मैनेजर की ज्यादा पावर इंक्रीज होगी, उनको भी बोनस मिलेंगे, उनको भी सैलरीज मिलेंगी. ठीक है ना, वरना बिजनेस बंद हो जाएगा. अब कह रहा है रिटर्न टू शेयर होल्डर आर इंक्रीज इन टू वेज, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड. ठीक है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर एज डिविडेंड, यानी उनका उनको डिविडेंड दिया जाएगा एज ए रिवॉर्ड ज्यादा प्रॉफिट पे. इंक्रीजिंग शेयर प्राइस. अच्छा, जितना ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को होगा ना, उससे शेयर की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी. अगर किसी ने 100 रुपए का लिया है, ठीक है, तो वो 200 का हो जाएगा, तो 200 रुपए हर शेयर पे उसको बेनिफिट हो जाएगा. ठीक है, तो मैनेजर कैन ट्राई टू अचीव दिस नॉट जस्ट बाय मेकिंग प्रॉफिट, बट बाय पुटिंग प्लान टू इन प्लेस दैट गिव द बिजनेस अ गुड चांस ऑफ ग्रोथ एंड हायर प्रॉफिट इन द फ्यूचर. तो ज्यादा प्रॉफिट का बेनिफिट क्या होगा? एक तो ग्रोथ, आप ग्रोथ का मतलब है कि आप इंटरनली ग्रोथ कर सकते हैं या एक्सटर्नली ग्रोथ कर सकते हैं, इससे भी आपका प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाएगा. तो समझ में आया? जी ये पढ़ें.
सही है जी। समझ में आ गया कि हाँ ग्रोथ वही है जो पैर भी भर चुके हैं, कि आपने अपने बिजनेस को या तो इंटरनली ग्रो करना है या फिर एक्सटर्नली। मार्केट शेयर ये पढ़े फिर आपको बताओ। सही है सर। समझ आया? पहला देखिए ये कह रहा है, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ सेल इन मार्केट इज 100 मिलियन इन 1 ईयर एंड कंपनी ए सोल्ड 20 मिलियन, देन कंपनी ए मार्केट शेयर इज 20%। तो अब तो कह रहा है कि यानी पूरी मार्केट की सेल 100 मिलियन है, पूरी मार्केट की सेल, 100 मिलियन और कंपनी ए की शेयर 20 मिलियन है, तो इसका मार्केट शेयर कितना माना? 20%, यानी 20 को 100 से डिवाइड कर दें, ठीक सर। है, टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स का क्या मतलब हुआ? क्या यानी 100 मिलियन टोटल मार्केट सेल। मतलब? देखो पूरी मार्केट में जो सेल हुई वो 100 मिलियन की हुई, यानी वहां बहुत सारे बिजनेस है ना, सही है। 20 बिजनेस होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, उन सब की जो सेल हुई है वो 100 मिलियन हुई है, ठीक है। उसमें से जी एक बिजनेस ए है और उसने सेल की है 20 मिलियन, कितनी सेल की है? 20 मिलियन। हाँ, तो उसका फिर मार्केट शेयर कितना हुआ? 20% हुआ ना। इसको आप ऐसे समझ लेना कि पूरी मार्केट में 100 कस्टमर है, कितने कस्टमर है? उन 100 में से आपके बिजनेस के जो कस्टमर है ना वो 10 है, कितने? 10 है, तो फिर टोटल मार्केट शेयर कितना हुआ? 10%। समझ आए? यानी जी आपके बिजनेस के 10 कस्टमर है और पूरी मार्केट में 100 कस्टमर, तो आपके बिजनेस का मार्केट शेयर कितना हुआ? 10%। परसेंट तो अब आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है कि भाई 10% से मैंने 15% पे जाना, क्योंकि अगर आपने मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं किया, एक दिन आएगा आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा की स्ट्रगल करनी है, वरना आप मार्केट से आउट हो जाए। कह रहे ना, इंक्रीज मार्केट शेयर गिव्स अ बिजनेस गुड पब्लिसिटी, लोगों को पता लगेगा यार ये बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, ये बिजनेस लार्ज हो रहा है। सो एज इट कुड ए क्लेम दैट इट इज बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलर, इंक्रीज इन्फ्लुएंस ओवर सप्लायर, आपका बिजनेस जितना लार्ज होता जाएगा सप्लायर से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप ज्यादा परचेज करेंगे, ठीक है, और जब ज्यादा परचेज करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। एज दे विल बी वेरी कीन टू सेल टू अ बिजनेस दैट इज बिकमिंग रिलेटिवली लार्ज, लार्जर देन अदर इन द इंडस्ट्री। इंक्रीज इन्फ्लुएंस ओवर कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल इन सेटिंग प्राइसेस। ठीक है, जी प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू द कम्युनिटी द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इंटरप्राइज, ये पढ़ लें।
लिया अच्छा, ये वो बिजनेस होते हैं जिनका एम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका एम ये होता है कि हम इतना प्रॉफिट कमा लें, जो भी प्रॉफिट हम कमाएं उसमें से कुछ पोर्शन कम्युनिटी पे खर्च करना। तो इस तरह के सेटअप को हम कहते हैं सोशल एंटरप्राइज। क्या कहते हैं? सोशल सोशल एंटरप्राइज। अब ये कह रहे हैं कि सोशल एंटरप्राइज आर ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कंपनी होती है, तो दे आर इन द प्राइवेट सेक्टर बट दे डू नॉट जस्ट हैव प्रॉफिट एज एन ऑब्जेक्टिव, यानी इनका मेन एम प्रॉफिट नहीं होता। द पीपल ऑफ ऑपरेटिंग द सोशल इंटरप्राइज ऑफन सेट थ्री ऑब्जेक्टिव, इनके तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो सोशल होता है, टू प्रोवाइड जॉब्स एंड सपोर्ट फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप इन द सोसाइटी सच एज डिसेबल्ड और होमलेस या विडो, ऐसे लोग जो सोसाइटी में हेल्पलेस होते हैं या डिसेबल्ड होते हैं या होमलेस होते हैं या विडो, ठीक है, ये उनकी हेल्प करते हैं, या डाइवोर्स वुमेन्स होती हैं, ठीक है, जिनके कमाने वाला कोई ना हो। इन्वायरमेंटल, टू प्रोटेक्ट द एन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, यानी प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन लगाना। फाइनेंशियल, टू मेक अ प्रॉफिट टू इन्वेस्ट बैक इनटू द सोशल एंटरप्राइज टू एक्सपेंड द सोशल वर्क दैट इट परफॉर्म। एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एंटरप्राइज इज रंग सूत्रा इन इंडिया। अभी उन्होंने एग्जाम्पल दी इंडिया। दिस हेल्प वेरी पुअर विलेज कम्युनिटी कम्युनिटी डेवलप स्किल इन क्राफ्ट वर्क एंड क्लॉथिंग प्रोडक्ट एंड हेल्प देम मार्केट देयर प्रोडक्ट एट अ फेयर प्राइस। यानी लोगों को ट्रेनिंग भी, स्किल की ट्रेनिंग भी देते, स्किल की ट्रेनिंग भी देते और बेचने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, आप समझ में आया? जी सर, चले, अब ये यहाँ तक काफी है, अब हम कंप्यूटर कर ले। आपने इसको चैप्टर को दोबारा से पढ़ लेना। आपने वो ले लिए पेपर वन पेपर टू, वो नहीं बिजनेस के पेपर वन पेपर टू ले लिए? वो अभी नहीं दिया, बोल अभी आए नहीं? दिया लेकिन वो ला 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 रहे हूँ, कोई को ला रहा हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर में हमने, हाँ, आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा, ये आपका सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर का, डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, क्या नाम है? डेटा इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसमिट कैसे होता है। यूँ समझ लें कि इंटरनेट काम कैसे कर रहा है। ये एक डिवाइस है, यहां से लेके यहां तक जो डेटा जा रहा है ये दूसरी डिवाइस है।
इसको आप डिवाइस वन समझ रहे, ये डिवाइस टू है। दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस के दरमियान जो नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, उसमें डेटा मूव कैसे होता है, ये चीज हमने सीखनी है। अच्छा, अब यहां पे लिखा हुआ है टाइप्स एंड मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अब इसका मतलब ये है, डेटा जो मूव करेगा ना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, वो पैकेट के फॉर्म में मूव करेगा। किसकी फॉर्म में मूव करेगा? पैकेट, जैसे एनवलप जाता है ना, हम लेटर भेजते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, इसको कहते हैं एनवलप। एनवलप का नाम सुना है? एनवेलप एनवलप में क्या होता है? डेटा होता है। एनवलप में क्या होता है? डेटा होता है। तो कंप्यूटर में भी ये होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा जाता है ना, वो पैकेट के फॉर्म में जाता है। यानी जैसे वर्ड की एक फाइल है, ये एक फाइल है, ये पूरी फाइल एज ए होल ट्रांसमिट नहीं हो सकती, इसके ना डिफरेंट पैकेट बन जाते हैं। जैसे एक पैकेट ये हो गया, दूसरा पैकेट हो गया, तीसरा पैकेट हो गया, चौथा पैकेट हो गया, ठीक है, इस तरह डिफरेंट पैकेट जो है मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये पॉइंट समझ में आ गए? तो बेसिकली जब कोई डेटा हमें ट्रांसफर करना होता है तो वो पैकेट्स में होता हाँ, जैसे अभी जैसे मेरी और आपकी कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू जी इंटरनेट हो रही है, तो जी इंटरनेट पे जितना भी डेटा मूव होता है वो पैकेट के फॉर्म में मूव होता है। जैसे मैंने आपको कहा हेलो, अब ये हेलो का भी एक पैकेट बनेगा और वो पैकेट मूव करेगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस। समझ आई बात? मैं जी जो भी बोल रहा हूँ, आप जो भी बोल रही हैं, ये इंटरनेट के थ्रू डेटा मूव हो रहा है और मूवमेंट ऑफ डेटा पैकेट की फॉर्म में होता है। ये लिखा हुआ है, इसको जरा पढ़ते हैं। ये लिखा है, डेटा सेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज यूजली ब्रोकन अप इनटू डेटा पैकेट। ठीक है, अगर मैं आपको कोई फाइल भी भेजता हूँ ओवर इंटरनेट तो वो पैकेट की फॉर्म में जाएगी, सम टाइप कॉल्ड डेटाग्राम, कुछ जगहों में इसको डेटाग्राम कहते हैं। फिर कह रहे हैं, द पैकेट ऑफ डेटा आर यूजली क्वाइट स्मॉल, यानी पूरी फाइल को ब्रेकअप कर दिए जाते हैं डिफरेंट पैकेट में। सम टाइम कॉल्ड डेटाग्राम, द पैकेट ऑफ डेटा आर यूजली क्वाइट स्मॉल, तो टिपिकली 64 किलोबाइट। अभी हमने पढ़े थे ना डिफरेंट फाइल के साइज, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था 8 बिट कितनी बिट कितनी बाइट के बराबर होता है? एक अच्छा एट एक हाँ 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। सही, जी याद है हमने पढ़ा था ये। जी और 1024 बाइट्स, अगर मैं 1024 बाइट बना दूं, इसका यूनिट क्या बनेगा? 1 KB बाइट, 1 KB बाइट। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? 64 KB बाइट, यानी एक पैकेट इसी को आगे एक्सटेंड कर लें तो 64 KB बाइट का कह लें, क्योंकि एक पैकेट होता है, ठीक है। जी तो वो जो फाइल होती है वो फाइल 1 MB की हो सकती है, 2 MB की हो सकती है, इससे ज्यादा की, उन सबको ब्रेकअप कर दिया जाता है डिफरेंट पैकेट में, यानी डेटा हमेशा पैकेट के फॉर्म में मूव करेगा। तो विच आर मच इजियर टू कंट्रोल, विच आर मच इजियर टू कंट्रोल देन अ लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो ज्यादा लॉन्गर डेटा सेंड करने से बेहतर है कि डेटा को पैकेट की फॉर्म में सेंड किया जाए, ताकि उसमें कोई एरर आए तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ स्प्लिटिंग अप डेटा इन दिस वे मीन ईच पैकेट कैन बी सेंड अलॉन्ग अ डिफरेंट रूट टू इट डेस्टिनेशन। अब इसका क्या मतलब है कि चूंकि हमने पैकेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, और ये पैकेट जो है वो क्या कहते हैं, डिफरेंट रूट से उनको सेंड किया जा सकता है, डिफरेंट रूट से उनको सेंड किया जा सकता है। सर रूट से क्या मतलब हुआ?
अभी बताता हूँ, बस आप रूट रस्ते को कहते हैं, रूट का मतलब क्या है, यानी रास्ता। पाथ। तो जब इंटरनेट पे ना एक पाथ नहीं होता, मैनी मैनी पाथ होते हैं, तो क्योंकि इंटरनेट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए डिफरेंट पाथ चाहिए होते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस डेटा सेंड करने के लिए। ये भी अभी आगे एग्जाम्पल आएगी। मैंने कहने का मकसद, एक फाइल के 10 पैकेट हो गए, एक फाइल के कितने पैकेट हो गए, 10। अब वो 10 के 10 एक रूट से नहीं जाएंगे, डिफरेंट रूट से जाएंगे डेस्टिनेशन तक, और डेस्टिनेशन पे पहुंच गए ना, सारे गैदर हो जाएंगे। सारे क्या हो जाएंगे, गैदर हो जाएंगे, और फिर इनको दोबारा फाइल में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर दिया जाएगा। कह रहा, दिस वुड क्लियरली बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट इफ अ पर्टिकुलर ट्रांसमिशन रूट वॉज आउट ऑफ एक्शन और वेरी बिजी। समटाइम होता है कि रूट बिजी होते हैं, तो हम दूसरे रूट को यूज कर लेंगे। द ओनली ऑब्वियस, कह रहे हैं, द ओनली ऑब्वियस ड्रॉबैक ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डेटा इनटू पैकेट इज द नीड टू रीअसेंबल द डेटा व्हेन इट रीचेज इट डेस्टिनेशन। हाँ, अगर एक फाइल की 10 पैकेट है, जब डेस्टिनेशन पे सारे पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो उनको दोबारा रीअसेंबल करना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ। हाँ, ठीक है। आपको पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट में आपको, आप फिर से समझ लें कि फाइल को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, पहले बताएं मुझे। हाँ, कन्वर्ट फाइल को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, क्या मतलब? हम फाइल को किसमें कन्वर्ट करते हैं जब हमने सेंड करना होता है, ओ अभी वो पैकेट्स में। पैकेट में। हाँ, बस पहला पॉइंट आप ये समझ रहे हैं, फाइल को किसमें कन्वर्ट करते हैं, पैकेट्स में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? और पैकेट को हम डेस्टिनेशन का मतलब पता है आपको, डेस्टिनेशन टारगेट, डेस्टिनेशन जी जो आपका ये आपका कंप्यूटर है और आपने इस कंप्यूटर तक डेटा पहुंचाना है, तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, एक पाथ ये होगा, एक पाथ ये होगा, एक पाथ ये होगा, एक पाथ ये होगा, ठीक है, ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा, ये फर्ज के लिए 4 पाथ हैं। कुछ पैकेट इधर से जाएंगे, कुछ पैकेट इधर से जाएंगे, ठीक है, कुछ पैकेट इधर से जाएंगे और कुछ पैकेट इधर से जाएंगे। आप समझ गए? अलग अलग रूट्स में क्यों जा रहे हैं? एक में नहीं जा सकते क्या? देखिए, इंटरनेट जितना भी चल रहा है ना, वो मल्टीपल रूट पे चल रहा है। आप खुद सोचें, बिलियन ऑफ यूजर है इंटरनेट के, कितने यूजर है, बिलियन, मिलियंस बिलियन समझती हैं आप, 1 बिलियन, जी कितने करोड़ होते हैं सर अभी तक आपको याद नहीं हुआ, मैंने बताया था 100 100 करोड़। सही है, अब 100 करोड़ लोगों का डेटा एक पाथ पे जा सकता है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 1 बिलियन की बात कर रहा हूं मैं, ये 8, ये 10 बिलियन भी हो सकते हैं, ये 120 बिलियन भी हो सकते हैं। तो आप सोचें, एक पाथ से डेटा जा ही नहीं सकता ना, वो अवेलेबल ही नहीं होगा, इसलिए डिफरेंट रूट रखे जाते हैं, डिफरेंट रूट रखे जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट आपको ये समझ लेना चाहिए कि फाइल को ब्रेकअप कर दिया जाता है डिफरेंट पैकेट में, और पैकेट मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यूजिंग डिफरेंट पाथ, यूजिंग पाथ। डिफरेंट और पार्ट। दो पॉइंट आपने याद रखने, कि फाइल ब्रोकन डाउन इनटू डिफरेंट पैकेट एंड पैकेट विल मूव फ्रॉम डिफरेंट पाथ, बस ये 2 पॉइंट है। ठीक है, जी ओके। और तीसरा पॉइंट, पैकेट विल बी रीअसेंबल्ड एट डेस्टिनेशन, पैकेट विल बी री, ये भी पिक्चर में डिस्कस करेंगे, ये भी आगे आएगा। अब यहां पे एक और चीज आ रही है, पैकेट का स्ट्रक्चर, पैकेट का, इसके 3 मेजर एलिमेंट होते हैं। एक होता है पैकेट का हेडर, एक पेलोड और एक ट्रेलर। ठीक है, अच्छा, एनवेलप कभी देखा है आपने, आपने कभी किसी को एनवेलप भेजा है? नहीं
कभी बनाया आपने एनवेलप नहीं के, एनवेलप के फ्रंट? अच्छा वो शादी पे देते हैं ना एनवेलप, फ्रंट जी, पे क्या लिखा होता है नाम जी, जो देने वाले का नाम, कभी और बैक देखा तो नहीं है मैंने बैग पे। पे? अच्छा चले, देखिए एनवेलप के 3 हिस्से होते हैं, फ्रंट पे आपका एड्रेस, फ्रंट पे आपका एड्रेस एड्रेस आएगा, और उसकी जो बैक साइड होती है ना उस पे सॉरी नहीं, फ्रंट पे जिसको भेज रहे हैं उसका नाम होता है, और बैक साइड पे जो भेज रहा है उसका नाम होता है, उसका एड्रेस, ठीक है? और क्या नाम है, और यानी एनवेलप के अंदर क्या होता है? पेपर जो आपने लिखा है, ऐसे ही ना? इसी तरह इसके भी 3 पार्ट होते हैं पैकेट के, एक होता है हेडर, एक होता है पेलोड, और एक होता है ट्रेलर। अब इनकी भी फर्दर डिवीजन है। सबसे पहले देखें पेलोड, ये रहा पेलोड। पेलोड का मतलब है एक, ये लिखा है एक्चुअल डेटा इन द पैकेट, जो कि 64 किलोबाइट का एक पेलोड होगा। यानी बताया ना पैकेट का एक साइज होता है, पैकेट का एक साइज साइज होता है, होता जैसे 64 किलोबाइट। तो जो पेलोड क्या होता है? एक्चुअल डेटा। पेलोड क्या होता है? जो एक्चुअल कि ट्रैवल कर रहा है, ठीक। अच्छा अब आ जाते हैं हेडर की तरफ। हेडर में ये 4 इंफॉर्मेशन होती है, साइज ऑफ द पैकेट, यानी इस पैकेट का टोटल साइज कितना है, डेटा। और किसमें होगा? इन बाइट्स, जी 64, ठीक है। सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट, सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट। अब अगर सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट यानी इस पैकेट का क्या नंबर है, एक है, दो है, तीन है, चार, क्योंकि आपकी फाइल 10 पैकेट में डिवाइड हुई ना, उस 10 में से हर पैकेट का आप एक सीक्वेंस नंबर होगा, ताकि जब हम रीअसेंबल करें तो हमें, हमने सिर्फ नंबर उठाना है और उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर में डाल दूँ। ऑर्डर में डालो। बिल्कुल, ऑर्डर नंबर, इसको आप ऑर्डर नंबर समझ लें। अच्छा ये देखें, एक तो ये हो गया। अब ये लिख, आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन डिवाइस। हम जब डेटा सेंड करते हैं ना तो 2 एड्रेस होते हैं, एक तो भेजने वाले का एड्रेस, ये वो है, और एक आप जहां भेज रहे हैं उसका एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है ये कंप्यूटर का एड्रेस होता है, इसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। भेजने वाले का आईपी एड्रेस, जिसको भेजा है उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। और ये ऑर्डर नंबर ऑफ पैकेट और उस पैकेट का साइज, ये होता है हेडर के अंदर। ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक क्लियर? फिर ट्रेलर है, ट्रेलर के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट, यानी क्योंकि कंप्यूटर को पता लगना चाहिए कि पैकेट कहाँ पे एंड हो रहा है, उसका मेथड यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। फिर है सम फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग टू इंश्योर पैकेट अराइव एरर फ्री। हम कुछ एरर मेथड भी अडॉप्ट करते हैं जिससे हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा पैकेट जो है वो एरर फ्री हो, उसमें कोई एरर ना हो, तो वो ट्रेलर में डिफाइन किया जाता है। ये चीजें कुछ आगे जाके डिस्कस होंगी तो फिर फर्दर क्लियर हो जाएगा। ये जरा पढ़ लें। जी।
पढ़ लिया आपने? नहीं सर, बस एक सेकेंड। अच्छा कहाँ तक पढ़ना है? ये पूरा पढ़ लूँ ना मैं? हाँ ये पूरा पढ़ लो। ओके सही, फिर पढ़ लिया ये वाला तो पढ़ लिया। यहां से लेकर यहां तक पढ़ लिया आपने? जी ओके, और नहीं है, मैंने नहीं पढ़ी। ये भी पढ़ ले। सर अब मैं कंफ्यूज हो गई, ये नोट कहा के बाद जो लिखा है फॉर ईच पैकेट वाला, वो ना समझ नहीं आया। ये वाला? जी ऊपर देखिए वो, ये फॉर पैकेट द पेलोड कंसिस्ट। अच्छा देखें ये कह रहा है फॉर ईच पैकेट द पैकेट ट्रेलर कंसिस्ट ऑफ, तो पैकेट के तीन कितने पार्ट थे? तीन पार्ट थे ना? ये पैकेट ट्रेलर की बात कर रहा है इसकी, ठीक है। इसका तो सिंपल है कि डेटा इटसेल्फ है। पैकेट ट्रेल के बारे में कह रहे हैं सम वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट, दिस इज असेंशियल टू अलाउ ईच पैकेट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एज दे ट्रेवल फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग स्टेशन। यानी हमने यहाँ पे कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है जिससे हम एक पैकेट से दूसरे पैकेट को अलग कर सके, क्योंकि पैकेट कंटिन्यूस फॉर्म में जा रहे होते हैं ना, तो ये मेक श्योर करना होता है कि हर पैकेट दूसरे पैकेट से अलग हो। उसके लिए कोई मेथड यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, वो ट्रेलर में बताया जाता है। दूसरा एन एरर चेकिंग मेथड, एन एरर चेकिंग मेथड, ओके। इसमें एन एरर चेकिंग मेथड साइक्लिकल रिडंडेंसी चेक आर यूज्ड टू चेक डेटा पैकेट, दिस इन्वॉल्व द सेंडिंग कंप्यूटर एडिंग अप ऑल द वन बिट इन द पेलोड एंड स्टोरिंग दिस एज ए हैक्स वैल्यू इन द ट्रेलर बिफोर इट इज सेंड। जब हम डेटा सेंड करते हैं ना, तो हमने ये बताना होता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है। वंस द पैकेट अराइव द रिसीविंग कंप्यूटर रिकैलकुलेट द नंबर ऑफ वन बिट इन द पेलोड। अब वो रिसीविंग एंड पे कंप्यूटर काउंट करेगा कितनी बिट भेजी है। द कंप्यूटर देन चेक दिस वैल्यू अगेन द वन सेंट इन द ट्रेलर। इफ द टू वैल्यू मैच देन नो ट्रांसमिशन एरर हैव अकर्ड, अदरवाइज द पैकेट नीड टू बी रीसेंड। देखें सेंडिंग कंप्यूटर ने कितनी बिट भेजी है वो लिख के भेजेगा, मैंने आपको इतनी बिट भेज रहा हूँ।
तो सीविंग साइड पे कंप्यूटर काउंट करेगा कि इतनी ही बिट आई है जितनी वो कह रहा है। अगर वो दोनों मैच कर जाती है फिर तो ठीक है, अगर वो मैच नहीं करता है, नंबर ऑफ बिट मैच नहीं करती तो कहेगा दोबारा बिट। ये है, ये पॉइंट क्लियर है जी? जी सर। अब वो आ गया पैकेट स्विचिंग। अब जो डेटा होता है ना वो कभी भी डायरेक्ट एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस नहीं पहुंचता। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं कनाडा किसी से बात कर रहा हूँ, अमेरिका बात कर रहा हूँ, यूके पे या कराची में किसी से बात कर रहा हूँ, तो डाटा कभी भी डायरेक्ट नहीं मूव करता, वो डिफरेंट स्टेशन से होता हुआ जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग यानी ये है कंप्यूटर ए, इसका डेटा कभी भी कंप्यूटर बी में डायरेक्ट नहीं जा सकता, ये डिफरेंट रूट से होता हुआ जाएगा। तो जब हम डिफरेंट रूट यूज करते हैं डेटा सेंड करने के लिए, उसको हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। ठीक है, अब कह रहा है लेट अस नाउ कंसीडर व्हाट हैपन व्हेन अ फोटोग्राफ फॉर एग्जांपल इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर ए। अब ये कंप्यूटर ए ही है, इसने फोटोग्राफ भेजना है टू कंप्यूटर बी, ये कंप्यूटर बी है। ठीक है, अब कह रहा है द फोटोग्राफ विल बी स्प्लिट अप इनटू अ नंबर ऑफ पैकेट बिफोर इट इज सेंड। ये पॉइंट याद है, हमने डिस्कस कर लिया था कि जी जब आप फाइल्स कभी भी फाइल भेजें भेजते हैं तो वो फाइल पूरी की पूरी ट्रांसफर नहीं होती, वो डिफरेंट पैकेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, अब वो कह रहा है देयर विल बी सेवरल पॉसिबल रूट फॉर द पैकेट बिटवीन कंप्यूटर ए सेंडर एंड कंप्यूटर बी रिसीवर। तो कंप्यूटर ए और बी के दरमियान बहुत सारे रूट्स हैं जहां से डाटा मूव करेगा, कि कभी भी डायरेक्टली नहीं जाएगा, कभी भी डायरेक्ट कहीं भी नहीं जाएगा, चाहे स्पेशली इंटरनेट, चाहे मैं अपने नेबर को ही डेटा क्यों ना भेजूं, लेकिन वो भी इंटरनेट यूज कर रहा है, मैं भी इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपने नेबर को भी डेटा भेजूंगा तो पता नहीं कितने पास से होता है उसके पास पहुंचेगा। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? अगर मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ डेटा सेंड करने के लिए, इवन व्हाट्सएप पे भी चैट कर रहा हूँ और वो मेरा नेबर है, या इवन घर में ही आपस में चैट करें व्हाट्सएप पे, तो भी डेटा वो डायरेक्टली नहीं पहुंचा उस वक्त, डिफरेंट रूट से होता हुआ गया, जैसे यहाँ से यूं 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 ऐसे पहुंचा, फिर ऐसे पहुंचा, और हर पैकेट डिफरेंट रूट से जाएगा तो रूट्स में क्यों जा रहा होता ताकि डेटा पहुंच सके। तो है? नहीं तो डेटा बस नॉर्मली उससे क्या जरूरी है कि वो डिफरेंट रूट्स ले, बस हाँ, एक क्योंकि उसी देखिए तरह। होता ही है ना कि हम जब ऐसा होता है ना कि जब मूव कर रहे होते हैं तो हर सड़क पे डिफरेंट रश होता है, तो हम वो सड़क पकड़ लेते हैं जो खाली होती है। इसमें भी ऐसा ही होता है ना, यहाँ से डेटा गया ठीक है, ये रूट बिजी है तो उसने बोला चलो यहाँ से चला जाता हूँ, इसने बोला यहाँ चला जाता, नहीं ये रूट बिजी है चलो यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है ये रूट बिजी है चलो यहाँ से चला जाता, तो जो बिजी होगा उसको छोड़ देंगे और जो खाली होगा उस पर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक अ रूट रिसीव अ राउटर। अब एक राउटर एक डिवाइस है, जैसे घर में लगा हो ना टीपी लिंक राउटर जिससे इंटरनेट चलाते हैं, तो भी राउटर कहते हैं। जी तो उसका काम क्या आता है, जी टू फाइंड आउट द रूट, टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट रूट और बेस्ट रूट टू सेंड डेटा। ईच स्टेज इन द रूट कंटेन अ राउटर, अ राउटर रिसीव अ डेटा पैकेट एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द हेडर डिसाइड वेयर टू सेंड इट नेक्स्ट। तो राउटर डिसाइड करता है, ये सारे राउटर लगे हुए, राउटर राउटर वन, ये सारे क्या लगे हुए डिवाइसेस राउटर, ये डिसाइड कर रहे हैं किस रूट से डेटा को सेंड करना है। ठीक है, जी तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विच कर रहा है एक जगह से दूसरे। जी अब जरा ही पढ़ लें यहां से लेकर यहां तक, फिर मैं बताता हूँ।
पढ़ लिया था। समझ आया? ये एंड में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। देखिए ये कह रहा है कि पैकेट स्विचिंग इज द मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन विच अ मैसेज इज ब्रोकन अप इनटू अ नंबर ऑफ पैकेट। पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या है कि जब भी पैकेट स्विचिंग होगी उस वक्त होगी जब पूरे मैसेज को ब्रोकअप कर दिया जाए इनटू डिफरेंट पैकेट। ईच पैकेट कैन देन बी सेंट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। हर पैकेट को डिफरेंट रूट से भेजा जाएगा। एट द एंड द पैकेट विल नीड टू बी रीअसेंबल्ड इनटू देयर करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द इंफॉर्मेशन सेंट इन द हेडर। ठीक है। एट ईच स्टेज इन द ट्रांसमिशन देयर आर नोड्स दैट कंटेन अ राउटर। ठीक है। ईच राउटर विल डिटरमिन विच रूट द पैकेट नीड टू बी सेट टेक इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। द डेस्टिनेशन आईपी इज यूज इन दिस पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो अब वो कह रहा है कि पहली बात एट ईच स्टेज इन द ट्रांसमिशन देयर आर नोड्स। ये सारे नोड्स है ना, ये जो R7 R3 ये सब क्या है, नोड्स है दैट कंटेन अ राउटर। अब ये सारे राउटर है, तो राउटर इज अ डिवाइस जो डिसाइड करती है कि इधर भेजूं या इधर भेजूं। ये राउटर सोचेगा इधर भेजूं या इधर भेजूं या इधर भेजूं। ठीक है। तो उसने डिसाइड करना था जी जो रूट अवेलेबल है वहां से भेज। तो रूट द पैकेट नीड टू टेक इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यूज इन दिस पार्ट ऑफ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। जहां भेज आईपी एड्रेस सेंडर का भी होता है रिसीवर का भी होता है। तो यहाँ पे वो रिसीवर के आईपी एड्रेस को देखते हैं कि इस आईपी एड्रेस भेजना है। अब कह रहे हैं सपोज आवर फोटोग्राफ फिगर 2.3 हैज बीन स्प्लिट अप इनटू 5 पैकेट। फोटोग्राफ को 5 पैकेट तो दैट हैज बीन सेंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अभी पूरा ऑर्डर पड़े सर। क्या ऐसा होता है कि अगर एक डेटा लेट्स से सेंड हो रहा है, तो अगर वो एक सर्टेन रूट से जा रहा हो तो मतलब सेकंड में सर सोच लूँ। हाँ, सोच ले पहले इसको पढ़ ले फिर मैं बताता हूँ ना। अभी सबर कर जाए आप पहले इसको पढ़े। जी सही सबसे पहले कह रहा है ईच पैकेट विल फॉलो इट्स ऑन पाथ। हर पैकेट का डिफरेंट रूट हो सकता है। हमने पहला स्टेप तो कर दिया ना कि उसको पैकेट में कन्वर्ट कर दिया, फाइव पैकेट इनटू 5 पैकेट। हर पैकेट का डिफरेंट रूट हो सकता है। अब कह रहा राउटर विल डिटरमिन द रूट ऑफ ईच पैकेट। तो बहुत सारे राउटर यूज हो रहे थे जो कनेक्ट करते हैं आपको एक पाथ से दूसरे पाथ। राउटिंग सिलेक्शन रूटिंग सिलेक्शन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पैकेट वेटिंग टू बी प्रोसेस एट ईच नोड। तो वो देखते हैं कि ज्यादा पैकेट हैं तो उनको उन वहां से भेज दिया जाए जो उन पाथ से भेज दिया जाए जो इजीली अवेलेबल है। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ अवेलेबल इज ऑलवेज सिलेक्ट। देखिए मैंने बताया था ना शॉर्टेस्ट पाथ को पहले चूज किया जाता है। तो दिस मे नॉट ऑलवेज बी द शॉर्टेस्ट पाथ दैट वुड बी टेकन सिंस सर्टन पार्ट ऑफ द रूट मे बी टू बिजी और नॉट सुटेबल। यानी कुछ पाथ जो बहुत ज्यादा बिजी होंगे तो वहां से सेंड नहीं किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली पैकेट कैन लीव द डेस्टिनेशन इन अ डिफरेंट ऑर्डर सो टू दैट इन विच दे वर सेंड। यानी डिफरेंट ऑर्डर से पहुंचेंगे।
तो फिर रिसीविंग एंड पे क्योंकि पैकेट के अंदर लिखा होता है सीक्वेंस नंबर, या हर पैकेट का एक ऑर्डर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से उसको रीअरेंज कर दिया जाएगा। फिगर 2.5 शोज वन पॉसिबल सिनेरियो, नोटिस द डिफरेंट पाथ टेकन बाय ईच पैकेट फ्रॉम कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी, आल्सो आल्सो नोटिस दैट द पैकेट हैव अराइव इन अ डिफरेंट ऑर्डर कंपेयर टू द वे दे वर सेंट। अच्छा अब ये देखें, ये कंप्यूटर है, ये कितने पैकेट है, पांच पैकेट है, कितने पैकेट है, पांच पैकेट है। तो जी अब देखें, अब ये मेन राउटर है, ये है बड़ा राउटर। अच्छा इसने दो पैकेट इधर भेज दिया, तीन पैकेट इधर भेज दिया। अब राउटर टू ने एक पैकेट इधर भेज दिया, एक पैकेट इधर भेज दिया। राउटर सिक्स ने दो पैकेट इधर भेज दिए, एक पैकेट इधर भेज दिया। अब राउटर वन ने इसको राउटर थ्री की तरफ भेज दिया, और राउटर फाइव ने इसको ये जो रेड वाला इधर भेज दिया, ठीक है, दो आए थे ना इसके बाद, रेड वाला इधर भेज दिया और एक इसने इधर भेज दिया और दो इधर भेज दिए। अब राउटर थ्री के पास दो आए, इसने एक इधर भेज दिया ग्रीन वाला और ये इधर भेज दिया, इधर ये जो दो आए थे दोनों इधर चले गए और एक इधर भेज दिया। इस तरह ये इधर आ गए, इधर आ गए, डिफरेंट ऑर्डर होते हुए राउटर बी। अब राउटर बी ने इनको कंप्यूटर बी की तरफ भेज दिया। अब यहाँ पे इनको दोबारा रीअरेंज किया जाएगा, उनका नंबर होता है, हर एक का अपना नंबर होता है। तो देखें इस तरह पहुंचते हैं रेडार, समझ आए। जी सर, अब ये देखें आगे, ये पढ़ लें द बेनिफिट ऑफ पैकेट स्विचिंग आर, पहले बेनिफिट पढ़ लें। पढ़ लिया सर। पढ़ लिया, ये समझ में आ गया जी आपको। जी अच्छा अब इसका ड्रॉबैक है, ये पढ़ लें फिर आपको बता दूं। पढ़ लिया सर। समझ आ गए। ओके अब ये जरा पढ़े,
पढ़ लिया आया? जी। तो लेकिन ये नंबर्स फिर क्या करेंगे हम? हाँ, ये कह रहा है कि सम टाइम इट इज पॉसिबल फॉर पैकेट टू गेट लॉस्ट बिकॉज दे कीप बाउंसिंग अराउंड फ्रॉम राउटर टू राउटर एंड नेवर एक्चुअली रीच देयर डेस्टिनेशन। होता यह है कि जब एक राउटर से दूसरे राउटर डेटा जाता है, जैसे यहाँ पे था, ऐसे जा रहे हैं, होता है ये सम टाइम बाउंस बैक हो जाता है, ये आगे नहीं जाता, इससे क्या होगा, ये पैकेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, जी तो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इवेंचुअली द नेटवर्क वुड जस्ट ग्रीन टू अ हॉल्ट एट द नंबर ऑफ लॉस पैकेट माउंट अप। अब सारे पैकेट लॉस होंगे तो डेटा कंप्लीट नहीं होगा, फिर दोबारा भेजना पड़ेगा, क्लॉगिंग अप द सिस्टम, सिस्टम भी क्लॉग हो जाएगा। टू ओवरकम दिस अ मेथड कॉल्ड हॉपिंग इज यूज। अ हॉप नंबर इज एडेड टू द हेडर ऑफ ईच पैकेट एंड दिस नंबर इज रिड्यूस बाय वन एवरी टाइम इट लीव्स आर आउट। उसमें ना हॉप नंबर डाल दिया जाता है कि ये फर्ज के लिए ये दिया हुआ है हॉप नंबर, राउटर 3 पे 10 दिया हुआ है, राउटर 5 पे 9 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 6 दिया, 5 दिया हुआ है, तो हर राउटर पे ये हॉप नंबर दिया हुआ है, ये -1 करते चले जाते हैं। ईच पैकेट हैज अ मैक्सिमम हॉप नंबर टू स्टार्ट विद वंस वंस अ हॉप नंबर रीच 0 एंड द पैकेट हैजन रीच ए डेस्टिनेशन द पैकेट इज सिलेक्टेड वेन इट रीचेज द नेक्स्ट राउटर। द मिशन पैकेट द मिसिंग पैकेट विल देन बी फ्लैग बाय द रिसीविंग कंप्यूटर एंड अ रिक्वेस्ट टू रीसेंड दीज पैकेट इन विल बी मेड। पर्पज ये है कि बेसिकली डेटा पैकेट लॉस हो गया, उसको दोबारा रीसेंड करना। ठीक है, इसको हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक। आपने आपने क्या कर लेना, होमवर्क, क्या होमवर्क क्या करना है आपने? करूं? एक तो आपने जो चैप्टर 4-5 है, आपने चैप्टर 5 शुरू कर दिया ना, उसको दोबारा गो थ्रू कर लीजिए। बिजनेस में हाँ, बिजनेस। जी, चैप्टर 4 खत्म हो गया, उसकी बस केस स्टडी करनी होगी और थर्ड की सेकंड वाली केस स्टडी भी करनी है। हाँ ठीक है, और कंप्यूटर में जो चैप्टर 1 है उसको दोबारा, उसकी एक्सरसाइज दोबारा शुरू से ना, उसको दो दो क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ठीक जनवरी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।